खबर बांदा उत्तर प्रदेश से है। रामनवमी महोत्सव को लेकर श्री रामनवमी केंद्र महोत्सव समिति ने जिलाधिकारी को 5 सूत्रीय मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। श्री रामनवमी समिति के अध्यक्ष महेंद्र धुरिया ने बताया, श्री रामनवमी महोत्सव भव्य शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मंदिर में साफ सफाई की व्यवस्था जल स्थान द्वारा ही बता दें कि शहर में पेयजल की व्यवस्था, शहर को विद्युत कटौती मुक्त किए जाना और प्रमुख मंदिरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था को लेकर ज्ञापन दिया गया। शहर के अंदर आने जाने वाले भारी वाहनों को भी दिन में प्रतिबंध लगाया जाए और नवरात्रे के पर्व पर मांस की दुकानों को बंद करवाया जाए। प्राइम बीके न्यूज चैनल के लिए बांदा से सुरेंद्र कुमार। आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, आज ज्ञापन आगामी नवरात्र और रामनवमी को त्यौहार को देखते हुए रामनवमी केंद्रीय महोत्सव समिति के द्वारा आदरणीय डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया व्यवस्थाओं को लेकर। क्या मांगे थी? मांग हमारी ये है कि मंदिरों के आसपास साफ सफाई, यात्रा मार्ग के रूट पे जो रोडों में पैचिंग है, तार हैं, साफ सफाई के कार्य है, ये सब, और मांस मंदिराई की दुकानों पर मतलब 9 दिन विराम लगाया जाए, इसके लिए हम लोगों को ज्ञापन दिया। क्या नाम है आपका? महेंद्र धुरिया।